साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। 19 दिसंबर को कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने असंतुष्ट नेताओं के साथ बातचीत की थी। लेकिन कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक और बैठक बुलाई है। इसमें किसान आंदोलन पर चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। कल किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही थी। गांधी पार्टी महासचिव और प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार वो पार्टी नेताओं के साथ उस रणनीति पर चर्चा करेंगी, जिसके तहत दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 1.5 महीने से आंदोलन कर रहे हजारों किसानों को कड़कड़ाती ठंड में वापस भेजा जा सके। सितंबर 2020 में संसद द्वारा पारित 3 नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग पर दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने पहले ही किसानों की मांगों और उनके आंदोलन का समर्थन किया है। सोनिया गांधी पहले ही नरेंद्र मोदी को अहंकारी कह चुकी हैं। उन्होंने मांग की थी कि प्रधानमंत्री नए कृषि कानूनों को वापस लेकर अपना राजधर्म निभाए। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि कांग्रेस अब केंद्र के खिलाफ आक्रामक योजना बना रही है। शुक्रवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि कानून के 3 टुकड़ों को निरस्त करने से कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। बता दें कि किसानों और सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद अब 15 जनवरी को फिर से बैठक बुलाई गई है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि अगर 15 जनवरी की बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकला तो किसान सरकार के कौन सी मुश्किल पैदा करते हैं, क्योंकि वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गयी तो वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए SBN9 न्यूज के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल SBN9 न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।